ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि एक हमारा पाइथन फाइल रहता है, उसके अंदर हमने क्लास लिखे, फंक्शन लिखे, और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, क्लास कैसे कॉल करते हैं। फिर हमने फंक्शन भी देख लिया था कि फंक्शन क्यों लिखते हैं, हमने क्लास भी लिख लेते हैं वगैरह। अब जब हम लोग क्लास लिखेंगे या फंक्शन लिखेंगे, तो हमने जो अलग अलग क्लास लिखा, तो कुछ क्लास हो सकता है जो ब्रोकर रिलेटेड हो, कुछ क्लास हो सकता है जो हमारा एल्गो रिलेटेड हो, या कुछ क्लास हो सकता है जो नॉर्मल कॉमन चीजें हो, कि एटीएम निकालना हो या अलर्ट्स देने हो। अब मैं अगर एक ही फाइल में लिखूं, तो अब जब भी मुझे उसको किसी को देना हो या अलग एल्गो में रन करना हो, तो मुझे क्या होगा, सारे का सारा चीज कॉपी हो जाएगा वहां पे। मैं चाहता हूँ कि तीन अलग अलग फाइल बने। एक फाइल में मैं लिखूँ अपना ब्रोकर रिलेटेड कोड, दूसरे फाइल में मैं लिखूँ कॉमन टास्क, जैसे एटीएम निकालना हो गया, पीएनएल निकालना हो, इस तरह की चीजें, और तीसरे में मैं लिखूँ कुछ और। मैं जैसे यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग तीन फाइल में बनाता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे। यहाँ पे मैं कुछ फंक्शन लिखता हूँ, एटीएम कैलकुलेशन। चलो एलटीपी कॉमा जो भी है, स्ट्राइक। चलिए एक हमारा फंक्शन हो गया जो एटीएम कैलकुलेशन रिलेटेड है वगैरह। सेकंड फंक्शन कोई हो गया जो सपोज पर हमारा अलर्ट जेनरेट करता है कि भाई आपका सिग्नल आया, कुछ भी आया। तो हमने एक फंक्शन लिखा, मैं यहाँ पे अगर सपोज पर प्रिंट कर देता हूँ, अलर्ट जेनरेटेड और टेलीग्राम मैसेज शुड बी सेंड, टेलीग्राम मैसेज शुड बी सेंड। और मैं यहाँ पे जो भी मैसेज दे दूँ, ठीक है। अब तक हमने दो फंक्शन लिखा, एटीएम कैलकुलेशन लिखा, ब्रोकर डेट लिखा। थर्ड एक फंक्शन में मैं लिखता हूँ ब्रोकर लॉगिन। अब ब्रोकर हमारे पास, सपोज कर मैं इसको क्लास में लिखता हूँ, क्लास कॉन्सेप्ट में। तो हमारे पास दो क्लास में बना लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ मैं जीरोधा क्लास, और एक क्लास में बना लेता हूँ एंजल का बना लेता हूँ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, बीच में कुछ बोल नहीं रहा था। डिफाइन सपोज यहाँ पे ब्रोकर लॉगिन, ठीक ठीक है। हमने एक फाइल है, फाइल में हमने तक चार फंक्शन लिख दिए, चार फंक्शन, दो फंक्शन लिखे और दो फंक्शन हमने दो क्लास के अंदर लिखे, एक एंजल क्लास के अंदर लिखे और एक जीरोधा क्लास के अंदर लिखे। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है। तो हमने अभी तक ऐसा लिखा। अब सपोज कर फंक्शन को कॉल करना, मुझे अलर्ट्स को कॉल करना, तुम लोग कैसे करेंगे, सिंपली कर देंगे कॉल। अलर्ट्स अलर्ट्स कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो भी एफ लिखा हुआ है वो होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि बाई सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैसेज होगा, अलर्ट जनरेटेड या टेलीग्राम
टेलीग्राम मैसेज शुड बी सेंड, चलो मैं इसको और हटा ही दूँ, टेलीग्राम मैसेज शुड बी सेंड, जो भी मैसेज पास करेंगे वो टेलीग्राम को चला जाएगा। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज करो मैंने एंजल नाम का एक क्लास बना दिया, एंजल नाम क्लास बना, हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कॉल करेंगे, डॉट ब्रोकर लॉगिन, ठीक है। सेम वे में अगर मुझे जीरोधा का लॉगिन करना, तो क्या करेंगे हम लोग, जीरोधा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जीरोधा इज इक्वल टू, सो मैं कैप्स कर दूं ताकि दोनों अलग अलग चीजें रहे। तो हमने एक जीरोधा का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, जीरोधा डॉट ब्रोकर लॉगिन, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, सिंपली जैसा हमने देखा था क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अभी वैसे ही हुआ। टेलीग्राम मैसेज शुड बी सेंड, ये जो मैसेज है उस मैसेज आएगा, एंजल का ब्रोकर कॉल हुआ, जीरो था ब्रोकर कॉल हो गया, क्योंकि हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कॉल किया। अब सपोज करो कि हमने ये तीन फंक्शन लिख के रखे, अब कल के दिन अगर हम एल्गो बनाने जा रहे हैं, कोई सपोज करो हम एक नया एल्गो बनाने जा रहे हैं, 920 स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं, तो क्या हुआ, मुझे अगर मुझे जीरोधा का चीजें बनाने, तो मुझे सिर्फ यही चीजें देना है। तो एक काम तो ये करेंगे भाई, इसको कॉपी करो, इस फाइल को, इस फंक्शन को कॉपी कर दी और नए फाइल में हमने बनाया। एक हमने यहाँ पे, चलो एक मैं बना रहा हूँ, एक algo1 न्यू फोल्डर में यहाँ बनाने जा रहा हूँ, हाँ बन गया, ऊपर बना, ओके ठीक है, मैं इसके अंदर बनाने जा रहा हूँ, ये मैं बाहर ही बनाता हूँ, चलो न्यू फोल्डर, चलो मैं एंजल algo1 यहाँ पे लिखता हूँ, एंजल algo लिखा, और एक मैं अंदर लेके आ जाता हूँ उसको, चलो मैं एक एंजल बनाने का एक एल्गो बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका लिखता हूँ कोड, एल्गो एल्गो डॉट पी वाई, ठीक है। तो इसमें क्या करें, अगर मुझे एंजल का कोड चाहिए तो एंजल का फंक्शन को हम कॉपी करके लाएंगे, एंजल को फंक्शन को कॉपी करके लाएंगे, ये लो भाई कॉपी होकर आ गया, और यहाँ पे फिर हम लोग उसको जो भी है ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे, ए इक्वल टू, अगर एंजल हम लोग लिख रहे हैं, ए इक्वल टू एंजल और ए डॉट ब्रोकर लॉगिन, ठीक है। तो रन तो हो गया, लेकिन यह प्रॉब्लम क्या आया, हमें जो जो चीजें काम की है वहां से कॉपी करके लाने पड़ रहा है। ये हमारा सपोर्ट को एक रिपोजिटरी है जिसमें हमने सारे फंक्शन लिख के रखे हैं, जीरोधा के रिलेटेड लिख के रखे हैं, एंजल के रिलेटेड लिख चुके हैं, जो भी फंक्शन हमने एक एक फाइल बना दिया है और उसी फाइल में हमने सब कुछ लिख के रखा हुआ है। अब जो मुझे जो भी जरूरत पड़ता है, मैं जाता हूँ उसको देखता हूँ कौन हमारे काम का है, उसको मैं कॉपी करके लाता हूँ और लिखता हूँ वगैरह। लेकिन इसे प्रॉब्लम है कि बार बार लेके आना, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हम लोग अलग अलग फाइल बना दें, एक फाइल बना दें जीरोधा रिलेटेड, जिसमें जीरोधा सिर्फ ब्रोकर रिलेटेड काम होगा, जीरोधा कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे पीएनएल आएगा, कैसे उस ऑर्डर प्लेस होगा, दूसरा हम लोग एंजल के लिए बना दें, एंजल में कैसे प्लेस होगा, एंजल का क्या है, एंजल का कैसा है, क्योंकि क्लासेज आपस में तो बात कर नहीं रही है, एंजल जिरोधा से बात नहीं कर रहा और जिरोधा एंजल से बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि ये एंजल बंदा जिरोधा के फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा, फर्दर जिरोधा भी एंजल पर नहीं कर पाएगा, यानी इस दोनों को साथ में रहने का मतलब नहीं बनता है कुछ भी, इस दोनों को हम लोग अलग अलग फाइल्स में डाल सकते हैं वगैरह। तो हमारे पास बेस्ट आर्किटेक्चर ये रहेगा कि हम लोग हर एक काम के लिए एक एक फाइल बना दें, मतलब जिरोधा एक फाइल हमने बना दी जिरोधा सपोर्ट नाम का, उसमें जिरोधा के रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो तमाम फंक्शन उसमें लिख देंगे, दूसरा फाइल बना दिया हमने एंजल सपोर्ट, या तो और एंजल सपोर्ट में एंजल के तमाम चीजें लिख देंगे। तो कल के दिन मुझे कुछ मैं यहाँ पे सपोज कर एक फाइल बनाने जा रहा हूँ, मैं सपोज करो कि ये हमारे पास एग्जिस्टिंग हमारे पास कोड है, इस कोड को मैं थोड़ा सा अच्छा से लिखने जा रहा हूँ ताकि हमारा कोड को रीयूज करना और आसान हो जाए। तो मैं एक फाइल में बनाना चाह रहा हूँ जो एंजल रिलेटेड है, तो एंजल का हम लोग कॉमन चीजें लिख दिया, एंजल या एंजल कोड हमने लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हमने एंजल कोड लिख दिया, और एंजल कोड में मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं एंजल की बातें को ही लिखूं, अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एंजल की बातें को ही लिखूं, हमने एंजल की बात को लिख दिया। दूसरा कोड मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, जीरोधा कोड, चलो अब मैं एक तीसरा एक बना देता हूँ जो कॉमन रिलेटेड फाइल है, जो कॉमन फाइल से जो कॉमन कोड, जैसे मैसेज भेजना, एटीएम निकालना, क्योंकि वो जीरोधा का रहे या एंजल का रहे, मैसेज भेजने के लिए आपको इंडिपेंडेंट है, दोनों में सेम ही काम आएगा। अब मैं बस एक कैटेगरी में कर रहा हूँ, हमारे जी जीरोधा हो गया, एक एंजल का हो गया, जीरोधा कोड इसमें लिख दो, जीरोधा कोड लिख दिया,
और जो भी एक कॉमन कोड्स है, कॉमन कोड्स कौन से हमारे, सपोज करो ऊपर वाला जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन है वगैरह अलर्ट भेजने का और एटीएम कैलकुलेशन का, हमने इसको कॉमन कोड के अंदर डाल दिया, ठीक है। यानी हमने कुछ नहीं किया, हमने अभी तक जो भी हमारे पास सेट ऑफ कोड्स लिखे थे उसको हमने अलग अलग फाइल में डाल दिया। अब देखो हमें एक एल्गो लिखने जा रहा है, अब मुझे सपोज करके एंजल का एल्गो बनाने जा रहा है, तो मैं पहले क्या कर रहा था, मैं इसको कॉपी कर रहा था पूरा चीज, अब मैं कॉपी नहीं करूंगा, हमारे पास जो भी एंजल का कोड है हमारे डे 8 फोल्डर में है, इसको जस्ट कॉपी कर लूंगा, इस फोल्डर में डाल दूंगा, एंजल एल्गो वाले फोल्डर में मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, अब तो दो फाइल हो गई, एक तो हमारा एल्गो का फाइल हो गया जिसमें हम लोग ऐसा कर रहे थे, और दूसरा हमारा फाइल क्या हो गया, एंजल कोड का फाइल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें ये चीज लिखा हो, मैं दोबारा क्यों लिखूँ, हम मैं चाह रहा हूँ आपको फाइल को ही मैं रीड कर लूँ, तो फाइल को अगर आपको रीड करना है ना, तो उसके लिए कहता है आपको फंक्शन इम्पोर्ट, हम चाह रहे हैं उसको इम्पोर्ट करना, किसको इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, फाइल का नेम बताइए, फाइल का नेम कौन सा है, एंजल कोड। तो इस तरह से एंजल कोड हमारे पास इम्पोर्ट हो गया, यानी एंजल कोड में जो भी फीचर रहेगा, जो भी फंक्शन रहे होंगे वगैरह, सभी कुछ हमारे पास आ गए वगैरह। अब जब सब आपके पास आ गए, यहाँ पे हमने ले लिया, अब देखो अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो क्या सही में आया या नहीं है, अभी रन करके देखता हूँ। अब मैं जब इसको हम रन करते हैं तो ये बोलेगा कि भाई एंजल इज नॉट डिफाइंड, बोल रहा है ये फंक्शन तो मिला नहीं, जबकि इसके अंदर लिखा हुआ है एंजल नाम का क्लास, एंजल नाम का क्लास लिखा हुआ है ना ये, लेकिन इसको मिला ही नहीं वगैरह। चलो तो अगर हम लोग इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको इसके अंदर क्लास या फंक्शन एक्सेस करना है तो आपको एंजल कोड डॉट से करना होगा, एंजल कोड यानी जो भी आपने इंपोर्ट किया ना डॉट एंजल, तो आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, या जो फंक्शन कॉल हो जाएगा क्लास है वो आपका। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या चीज है, नो एट्रीब्यूट एंजल, एक मिनट। डॉट ब्रोकर लॉगिन आएगा ना? एक मिनट कहाँ पे, हाँ वो फंक्शन नेम क्या, ब्रोकर लॉग इन, तो ये क्या वो अंडर ब्रोकर स्कोर है, ओके अंडर स्कोर है, ठीक है। एक मिनट अंडर स्कोर कहाँ है ये, नहीं सर, फ्रॉम फ्रॉम एंजल नहीं एक मिनट फ्रॉम देखें, पर देखें फ्रॉम नहीं, ठीक है पर इसको रन करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। एंजल नाम एंजल, का फंक्शन ही नहीं है ना उसमें, जो एंजल क्लास है उसमें एंजल नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, हम एंजल नाम के फंक्शन को कॉल करा रहे हैं ना। नहीं, ये मैं क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ये क्लास, ये अपने पास इसमें क्लास है, क्लास एंजल नाम का क्लास है अपने पास, मेरे हिसाब से तो नहीं ये देखो हमने क्या किया, इस फाइल को इंपोर्ट किया, इस फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया, इस पूरा फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया, और इस फाइल के डॉट्स की हेल्प से हम लोग उसे क्लास को हम लोग एक्सेस किया। सर दो बार डॉट देना पड़ेगा ना, एंजल कोड डॉट क्लास का नाम और फिर एंजल देना पड़ेगा ना शायद। नहीं क्लास का अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, ये चीजें हैं, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, यही कर रहे थे ना हम लोग पहले, डायरेक्ट लिख रहे थे, मैं इसको अभी कमेंट कर दूँ और नीचे यहाँ पे लिख दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, आया कॉल हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने दूसरे फाइल में डाल दिया है, एंजल कोड में डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया एंजल कोड में, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक ये में क्या क्या आ रहा है, ए डॉट ब्रोकर लॉग इन, रन करते हैं अभी, एंजल कोड डॉट एंजल लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 में सर डॉट एंजल नहीं आएगा, डॉट एंजल फंक्शन आएगा नहीं मेरे हिसाब से। नहीं अगर मैं
अगर मैं स्टार से इम्पोर्ट करता हूँ तो इसके बिना आ जाएगा, अगर मैं अगर स्टार करता हूँ तो उसके बिना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एंजल डॉट देना ही चाहिए। चलो मैं वो करके देखता हूँ, अगर जो तुम हाँ मुझे सिर्फ एंजल देंगे ना, अगर अगर मैं इस फाइल का नेम इम्पोर्ट स्टार करूँ तो फिर इसके बिना काम चल जाएगा, तो फिर आपका इसके बिना काम चल जाएगा। लेकिन मैं अगर वो इम्पोर्ट एंजल दे रहा हूँ, आ गया, इसमें लिख रहा है एंजल इज नॉट डिफाइंड। कुछ और अब इसने लफड़ाएगा। एंजल को डॉट एंजल अरे नहीं कुछ, फंक्शन। आई थिंक इट इज ए वन आर एल आई थिंक चेंज हाँ द कुछ और लफड़ाया, क्या चलो इंपोर्ट्स वगैरह कहीं कुछ और है, एंजल इज नॉट डिफाइंड। सर, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? जैसे एंजल कोड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट एंजल के नाम से बनाया था, यहाँ पे ए से बनाया हुआ है। नहीं, वो ए उससे कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने एक ऑब्जेक्ट में कुछ भी दे सकते हैं आप वगैरह। ओके, अरे ये लफड़ा अभी समझ में आ गया, हम लोग कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखिए कहाँ पे है, वो फाइल उसको नहीं मिल पा रहा, मोस्टली मुझे ये लग रहा है। चलो इसको पॉइंट करते हैं सही से, एंजल एल को। देखते हैं, लेकिन वो इंपोर्ट मिरर देना चाहिए था, लेकिन सी डी इम्पोर्ट्स मिरर देना चाहिए था। बी क्या है, लाइन नंबर 9, एंड चलो एक क्लास के जो फंक्शन भी इसमें डाल देता हूँ, देखते हैं माई फंक्शन। माई फंक्शन कॉल, चलो इसको रन करते हैं। छोटा सा मिस्टेक है जो दिख नहीं रहा, क्या मिस्टेक हो सकता है। वो जो लाइन है उसमें एंजल एंजल अंडरस्कोर कोड डॉट माई फंक्शन आएगा ना, कहाँ पे, अभी लाइन नंबर 9 में, ये जो है ना एंजल अंडरस्कोर कोड डॉट। मैं अगर जब इंपोर्ट स्टार करते हैं ना तो कंप्लीट फंक्शन हाँ आता है, सारे के सारे कुछ आता है। अगर वो डॉट करना है तो आपको ऐसा करना होगा, angel1.code करोगे ना तो ये होगा वगैरह ऐसा। ओके सर, केस सेंसिटिव है क्या सर? कुछ कैप्सल लेटर स्मॉल लेटर ऐसा कुछ हो रहा है देखता क्या? हूँ कुछ ऐसा चीज जो छोटी चीज दिख नहीं रहा वगैरह, तो आइए सर, थोड़ा इसमें आइए सर, एंजल कोड में आइए, ये थोड़ा फंक्शन उसमें तो कैप्स कॉल में है, स्मॉल में है, देखते हैं। ये तो अभी आ माई गया। फंक्शन तो कॉल हुआ, और तो यहाँ पे ये क्यों नहीं कॉल हो रहा है। पता नहीं हमने तो कुछ चेंज किया नहीं, इस पर कॉल हो गया, कुछ भी लॉजिक तो हमने चेंज किया नहीं। चलो इसको कमेंट भी कर देता हूँ, क्या है भगवान जाने क्या हुआ इसमें। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने देखिए हमने क्या जैसा कॉन्सेप्ट ने पहले बताया था सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करना है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मुझे इस फाइल को इम्पोर्ट करना है, ये जो फाइल हमें इसको इम्पोर्ट करना है, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट फाइल नेम। तो इम्पोर्ट फाइल नेम हमने कर लिया। अब इस फाइल नेम के अंदर दो चीजें हैं, एक क्लास है आपका एंजल और एक है आपका माई फंक्शन। तो जिसको भी एक्सेस करना है आपको, या तो एंजल को एक्सेस करना है या माई फंक्शन को एक्सेस करना है, तो हम लोग इस एल्गो में जाएंगे, एंजल डॉट एंजल करेंगे, मतलब जो भी फाइल का नेम है डॉट एंजल।
तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से हमने कॉल कर लिया। अब डायरेक्ट हमको अगर फंक्शन कॉल करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एंजल कोड डॉट जो भी हमारा माई फंक्शन था वो माई फंक्शन कॉल कर लेंगे। इसको यहाँ क्लीन कर दो, अपने को पता नहीं चला क्या हमने हम मिस कर रहे थे वगैरह, कुछ स्पेस था या क्या था दिखा नहीं कुछ, या शायद सेव नहीं हुआ फाइल ऐसा। ठीक है तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये जो फाइल थे हमारे, अगर एक फाइल बना था, फाइल को इम्पोर्ट करने के क्या लिखेंगे, फाइल नेम। अगर आपको फाइल नेम लिख रहे हो इम्पोर्ट एंजल वन, तो यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन या क्लास एक्सेस करना है वो एंजल को डॉट से आपको एक्सेस होगा वगैरह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, सर शायद वो फाइल सेव नहीं हुआ वो होगा, सेम इसलिए आ रहा होगा इधर। सेम नहीं हुआ होगा, क्योंकि और तो कुछ हमने चेंज किया ही नहीं अपने, ना ही हमने लॉजिक चेंज किया, ना ही कुछ नोटेशन वगैरह चेंज किया, क्योंकि सब स्मॉल कैप्स तो सब मुझे सही दिख रहा, सेव ही नहीं हुआ होगा वगैरह। ठीक है तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सभी को क्लियर? सर एक पूछना था हाँ पूछिए। हाँ सर, वो एंजल वन जो फाइल हमने बनाई है वो उसी फोल्डर में रहनी चाहिए या हम लोग दूसरी जगह पे भी रख सकते हैं? हम लोग रख और सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं, हम देखेंगे पहले तो ये नॉर्मल, हमने देखा कि एक ही फोल्डर में है तो कैसे इंपोर्ट होता है, ओके जब किसी ओके दूसरे अच्छा फोल्डर में होता है तो कैसे करें, हम लोग देखेंगे सब कुछ पहले, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लेंगे। अब सपोज करो कभी ऐसा है ना कि ये फाइल नेम है एंजल कोड नाम से फाइल है, एक मिनट पानी पी लो। सर, वो फाइल सेविंग का ही प्रॉब्लम था। वही ना, कुछ छोटा चीज हमने ध्यान नहीं दिया फोल्डर नहीं नहीं को। मैंने मैंने भी वही चीज़ ट्राई किया, मुझे भी एग्जैक्टली सेम एरर आया। फिर ओके मैं हाँ फाइल में जाके सेव बोल दिया तो वो सेव होगा, बिकॉज तो हाँ वो फाइल बना के हमने रन नहीं किया ना उसको, हमने वो फाइल बनाया फिर रन नहीं किया तो वो सेव ही नहीं हुआ रन करते समय। ये छोटी छोटी चीजें हो जाती है, चलिए कोई नहीं, वो देखने को हमें मिल गया कि ध्यान से हम लोग सेव भी कर लिया करेंगे हाँ वगैरह। हाँ वही हाँ वही कॉन्सेप्ट तो सही है वगैरह हाँ तो नहीं आप ठीक अब मेरे को भी एग्जैक्टली सेम एरर आया है। जो आपको आ रहा था ना, मैं भी इधर अपने स्क्रीन पे ट्राई कर रहा था, एक सेम एरर है। ओके तो ठीक है, एक चीज तो आपको ये समझ गया। अब क्या हो सकता है कि ये फाइल के नेम बड़ा हो सकता है, हो सके कि एंजल कोड छोटा सा फाइल हो वगैरह। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल तो भाई मैंने इंपोर्ट कर दिया, मुझे एंजल वन के हेल्प से एक्सेस करना पड़ रहा है, एक्सेल हेल्प। ये अगर फाइल का नेम बड़ा है, चाहे मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल को इंपोर्ट करूँ, इस फाइल को इंपोर्ट करूँ लेकिन मैं अपना नाम दे दूँ, तो मैं यहाँ पे अगर इसको इंपोर्ट करने का एक दूसरा स्टाइल बताता हूँ। ये हमने फाइल नेम अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट एंजल कोड एड माई नेम, यानी इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो सब माई नेम के नेम से होगा, मतलब इसको हमने एलियास दे दिया, निक नेम दे दिया, और कुछ कुछ भी नहीं किया, हम लोग निक नेम दे दिया। निक नेम कब देने का कुछ जरूरत पड़ जाएगा, जब सपोज करिए कि दो फाइल मुझे मिला, सपोज करिए कि मुझे अमित सर ने भी एक फाइल दिया कॉमन कोड दे दिया, और आकाश सर ने मुझे एक कोड फाइल दे दिया वो भी कॉमन नेम दे दिया, श्याम ने भी दे दिया कॉमन कोड, अब मुझे तीन फाइल मिल चुके हैं वगैरह, तीन फाइल मुझे मिल चुके हैं कॉमन कोड्स कॉमन कोड्स कॉमन कोड्स नाम का मिल चुका है। तीनों को मैं रख दिया, सपोज करो मैं रख भी दिया, एक तीनों अलग अलग फोल्डर में रख दिया, हम लोग फोल्डर से कैसे इंपोर्ट करेंगे देखेंगे। अगर तीनों फाइल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तीनों का नेम सेम है, तो भाई प्रोग्राम कैसे समझेगा किसका एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करे या उसको एक्सेस करे, किस फाइल को करना है। तो उस केस में हम लोग एलियास दे देते हैं कि अगर ये एंजल कोड अगर आकाश जी का है तो एज ए आकाश लिख दिया, अगर ये अमित जी का है तो एज ए अमित लिख दिया, अगर नवीन है तो नवीन लिख दिया वगैरह। तो इसे हम लोग निक नेम दे सकते हैं कि अगर अलग अलग फाइल्स का कभी ऐसा रिक्वायरमेंट है, एक तो ये हो गया जो आपको करना ही पड़ेगा अगर मल्टीपल्स फाइल एक नाम के हैं या एक है, या सेकंड है कि अगर ये नेम बड़ा है, हम कुछ मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं, चाहे कुछ छोटा नेम देना चाहते हैं, जैसे आप करोगे इम्पोर्ट पांडाज तो पीडी दिया रहता है, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, पीडी देने का मतलब ये है कि भाई पांडाज पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, एक छोटा सा कीवर्ड हम लिखना देना चाहते हैं पीडी, जैसे यहाँ पे एंजल कोड है मैं इसको लिख देना चाहता हूँ एसी, या कुछ भी एज ए भी लिख दें, हमने यहाँ पे एसी लिख दिया। तो अब जो भी फंक्शन होंगे जैसे कि एसी डॉट माई फंक्शन, ये इसके हेल्प से कॉल हो जाएगा। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर दूं ताकि एक बार ही प्रिंट हो, तो ये देखिए माई फंक्शन कॉल हो गया। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट अपन समझा कि हम किसी भी चीज को अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपको हम लोग उसको एलियास दे सकते हैं फाइल को नेम को, तो फाइल नेम की एलियास के हेल्प से एक्सेस हो जाएगा। अब देखिए हो सके कि एंजल कोड में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट, बहुत सारे फंक्शन हो, एंजल भी हो माई फंक्शन भी हो माई फंक्शन वन भी हो माई फंक्शन टू भी हो, मैं यहाँ पे माई फंक्शन वन भी हो गया वगैरह। अभी जब मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो सारे के सारे चीजें इंपोर्ट हो जा रही है,
एंजल भी इम्पोर्ट हो जा रहा है, माई फंक्शन भी इम्पोर्ट होगा, माई फंक्शन वन फीचर भी आ गया। मुझे कभी ऐसा चाहिए कि नहीं भाई मैं सिर्फ आपका माई फंक्शन ही लो, माई फंक्शन वन नहीं लो वगैरह, माई फंक्शन वन नहीं लो आपको। तो अगर ये चाहिए कि मनपसंद चीजें ही हम आपको चीज लेंगे, हो सके आपके पास 3 फंक्शन दिया चाहे 10 फंक्शन दिया, मुझे मेरे काम का दो ही है। तो कभी आपने ऐसा भी कोड में देखेगा कि फ्रॉम फाइल नेम, जो भी फाइल नेम है, किस फाइल में नेम है हमारा, एंजल कोड, एंजल कोड इम्पोर्ट, जो भी इसको हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं, हम क्या इम्पोर्ट करना चाहते हैं, सपोज तो मैं इम्पोर्ट करना चाहता हूँ सिर्फ माई फंक्शन वन को ही इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, इम्पोर्ट माई फंक्शन वन, तो हमारे पास सिर्फ माई फंक्शन वन फंक्शन ही आ गया वगैरह, टेक स्टाइल ये हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं मैं लिखूँ तो माई एंजल कोड स्टाइल में लिखूँ और इम्पोर्ट स्टार कर दो, मतलब इस फाइल में जो भी फीचर है वो सारे के सारे हमें आ जाएंगे, फ्रॉम एंजल कोड इम्पोर्ट स्टार, यानी कि इस फाइल के अंदर जो भी, इस पाइथन फाइल के अंदर जितने भी सारे फंक्शन क्लास हैं वो ऑल क्लास मॉड्यूल वेरिएबल जो कुछ भी है सब आपको इम्पोर्ट हो जाएगा। ऑल मॉड्यूल नहीं लिखे, ऑल क्लास ले, ऑल क्लास फंक्शन वेरिएबल भी, इनफैक्ट वेरिएबल भी ए इक्वल टू बी लिखा हो ना वो भी आपको इम्पोर्ट हो जाएगा, विल बी इम्पोर्टेड। इस केस में क्या हुआ, सिर्फ माई फंक्शन ही इम्पोर्ट होगा, ओनली सिलेक्टेड फंक्शन विल बी इम्पोर्टेड। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉल करना चाहूँ, अब देखो अब मैं जब इसको फंक्शन माई फंक्शन इम्पोर्ट कर लिया इस तरह से किया है, तो अब मुझे ये पूरा एंजल कोड दौड़ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया, ये जो फाइल है ना, ये जो फंक्शन है मेरे पास, इसको मैंने कॉपी कर लिया अपने मेमोरी में। तो अपने मेमोरी में अगर कॉपी कर लिया तो क्या होगा, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, पहले एक रेफरेंस के थ्रू कॉल होता था, मैंने बस इम्पोर्ट कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया मतलब एक एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया और रेफरेंस से मैं कॉल कर रहा था फंक्शन वन फंक्शन टू। अभी मैं बोला नहीं ये बंदा मुझे दे दो, यानी ये फंक्शन से मैं मतलब यहाँ भी एक्चुअली डिफरेंस ही बन रहा है, लेकिन इसको कॉल करने मेथड हमने एक लोकली बना के रखो रख लिया ये समझ सकते हैं, और डायरेक्टली माई फंक्शन वन कॉल कर लेंगे हम लोग। अब जैसे इस लाइन को मैं कमेंट कर दूँ, लाइन नंबर 13 को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो रन करके देखते हैं हमने क्या इम्पोर्ट किया, सिर्फ माई फंक्शन वन इम्पोर्ट किया है, इसको भी इम्पोर्ट, ऊपर सभी चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ। हमने देखे लाइन नंबर 12 में क्या किया, एंजल कोड से सिर्फ माई फंक्शन वन को इम्पोर्ट किया है, अभी रन करेंगे हम लोग तो इम्पोर्ट हो गया। अब इसका मैं अगर नेम को चेंज कर दूँ, नेम को नहीं मतलब अंदर की चीज़ों को चेंज कर दूँ ताकि तो पता चले क्या हो रहा है, माई फंक्शन वन कॉल्ड, माई फंक्शन वन कॉल। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं माई फंक्शन कॉल को कर लूँ तो क्या ये कॉल होगा, मैं अगर मैं इसको ही कॉल कर लूँ, इसको मैंने इम्पोर्ट नहीं किया है, तो देखो यहीं पे आपको पहले एरर दिखना चालू हो गया। अगर मैं रन भी पूरा ये कहाँ से है भाई डिफाइन नहीं है, तो कहीं डिफाइन ही नहीं है वगैरह, तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये देखिएगा एरर देगा कि माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने इम्पोर्ट नहीं किया, हमने सिलेक्टिव चीज को ही इम्पोर्ट किया है वगैरह, माई फंक्शन वन को ही इम्पोर्ट किया है। अगर मैं लाइन नंबर 12 की जगह लाइन नंबर 13 लिखूँ तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे चीजें इम्पोर्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो एरर था एरर चला गया, इस बार दोनों हो जाएंगे, माई फंक्शन वन भी कॉल हुआ है, माई फंक्शन भी कॉल हो गया। तो यहाँ तक किसी को परेशानी, फ्रॉम के हेल्प से इम्पोर्ट होने में क्या हुआ। अब एक चीज और देख लो, अगर मैं ये चीज तो आपको दिखा दिया, इसको भी मैं कमेंट कर दूँ, ये मुझे कोई बताएगा ये क्या हो रहा है। अब मैं ऐसा करूँ कि माई फ्रॉम एंजल कोड इम्पोर्ट, हम इसको भी फंक्शन को भी हम एलियास दे सकते हैं एज माई, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे दूँ, माई माई नहीं फंक्शन नाम कहीं दे F1 देता दे दो सर। हूँ, F1 ही दे देता हूँ F1। तो अब मैं यहाँ पे F1 दूंगा तो एंजल कोड डॉट F1 देना होगा या F1 से डायरेक्ट हो जाएगा कॉल मुझे, क्या लगता है आप F1 से लोग। कॉल हो जाएगा सर। F1 से कॉल हो जाएगा सर। हाँ F1 से, क्योंकि हमने इस फाइल के अंदर से इस फंक्शन को कॉल किया इम्पोर्ट किया और इसको हमने अपना नाम दे दिया F1 नाम दे दिया और F1 को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये आपका ये F1 कॉल हो जाएगा, माई फंक्शन वन कॉल हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर, देख लीजिए अभी आप लोग ऊपर नीचे सर देखिए, यस, 1 और 13 में क्या डिफरेंस है सर? 1 और 13 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक तो उसको जब फंक्शन को एक्सेस करने जाएंगे ना तो उसमें डिफरेंस होगा। अगर आप ऐसा एक्सेस इम्पोर्ट करिएगा तो एंजल वन डॉट माई फंक्शन लिखना पड़ेगा, एक मिनट मैं म्यूट कर लूँ।
लाइन नंबर वन के स्टाइल में अगर आपने इंपोर्ट करिएगा, तो फंक्शन को एक्सेस करने के समय आपको जो भी मॉड्यूल है, ये जो भी पाइथन फाइल रहता है ना, सबको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। यानी एल्गो डॉट पी वाई एक मॉड्यूल है, एंजल कोड डॉट पी वाई एक मॉड्यूल है, जितने सारे पाइथन फाइल है सबको एक मॉड्यूल है। तो एक मॉड्यूल अगर इस मॉड्यूल को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं एंजल कोड को, तो एंजल कोड मॉड्यूल के नेम से हमको डॉट के साथ मुझे एक्सेस करना होगा। अगर मैं इस स्टाइल में कर रहा हूँ लाइन नंबर 13 के स्टाइल में कि इम्पोर्ट स्टार, तो डायरेक्टली हम लोग जैसे फंक्शन कॉल किया करते थे खुद के फाइल के अंदर, उस स्टाइल में कॉल करना होगा आपको। आप लोग देखिए ऊपर से नीचे तक, फिर समझिए किसी लाइन में कुछ कंफ्यूजन है डाउट्स है तो मुझे पूछिए। तीन चीजें हमने देखा, तीन स्टाइल देखा। लाइन नंबर वन में एक स्टाइल देखा, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ यहाँ एक स्टाइल वन। यहाँ पे फिर हमने स्टाइल वन को ही एक रिनेम भी कर दिया स्टाइल वन। चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टाइल वन का बी, स्टाइल विथ एलियास। ये कौन है, हमारा स्टाइल टू है। और इसमें हमने एलियास आपने देख ही लिया, किसी भी चीज को अगर एलियास है, अगर मैं यहाँ पे दो फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो हम लोग ऐसा करेंगे माई फंक्शन वन को मान लिया इंपोर्ट कर रहे हैं और माई फंक को भी कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा दोनों लिख देंगे। और दोनों के चाहेंगे तो अपना अपना एलियास भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं देंगे तो सिर्फ एक का भी एलियास दे सकते हैं। जैसे मैंने सपोज करो इसको एज एफ वन दिया, एज एफ वन, तो एज एफ वन इसका नाम एफ वन हो गया और इसका नाम माई फंक का माई फंक ही रह जाएगा, माई फंक का माई फंक ही रह जाएगा। एक क्वेश्चन है हाँ पूछिए। हाँ लाइन नंबर 16, जैसे हम कर रहे हैं भाई फ्रॉम एंजल कोड इंपोर्ट स्टार, मतलब हम सारे के सारे उसमें उसके फंक्शंस हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने दो फाइल से सब कुछ इंपोर्ट किया है, ठीक है, और मतलब क्या बाई चांस दोनों में कोई एक कॉमन मतलब फंक्शन है जो कि जिसका नाम दोनों में सेम है, तो उस केस में क्या होगा? पहले तो उसे एक स्टेप पहले, और पहले हम अभी आएंगे। सपोज करो ये कोई फंक्शन लोकली भी डिफाइन है और बाहर भी डिफाइन है, तो उस केस में क्या होगा? अभी तो तो दो, लोकल को पहले, वो तो लोकल पहले मतलब उसमें मिल जाएगा ना प्रेफरेंस। हाँ हाँ तो पहले हम लोग देखेंगे क्या होता ठीक, है। एक बार चैट बॉक्स में किसी कुछ चैट वगैरह क्या, फ्री चैट में क्या है? गुड इवनिंग जस्ट लिसनिंग। ओके यहाँ तक सभी क्लियर है सर? यस सर। ठीक, चलिए अब सपोज करिए कि ठीक है लोकली और बाहर में आएंगे। पहले अगर सपोज करो कि एक सवाल आया था कि अगर ये एंजल कोड यहीं पर है, तो अब मैं है कि किसी और लोकेशन पर है तो क्या करेंगे? तो मैं इस पर मैं डाल देता हूँ, एंजल कोड है ना हम लोग, इसको कट करके मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, एक एंजल फोल्डर दे देता हूँ, एंजल फोल्डर। और इसके अंदर चलो इसके अंदर एंजल कोड वन कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा कोड वन हो गया, इसको यहाँ पे ऐसा रहने देता हूँ। ठीक है, इसको एक हमने एक नया फाइल सपोज करो यहाँ पे डाल दिया, एंजल कोड वन नाम का डाल दिया। हम लोग पहले क्या लिख रहे थे, हम लोग लिख रहे थे पहले एंजल कोड, एंजल कोड जो भी सपोज करो सिंपल इंपोर्ट स्टार। अभी ऐसा नहीं है, अभी मुझे बताना पड़ेगा किस फोल्डर के अंदर है। हमें सपोज करो कि मैं इसको एक्सेस करना, इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ एंजल कोड वन को, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम एंजल फोल्डर, एंजल अंडरस्कोर फोल्डर डॉट, इसके अंदर कौन सी मॉड्यूल है भाई? एंजल कोड अंडरस्कोर वन। अब इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ तो कैसे इंपोर्ट होगा? एंजल कोड वन डॉट से होगा या डायरेक्टली हो जाएगा फंक्शन नेम से होगा इस बार? क्या वो बताइए आप लोग, सर फोल्डर फोल्डर का भी नाम देना पड़ेगा। फोल्डर का नाम दिया ना हमने एंजल फोल्डर यहाँ पे, और ये मॉड्यूल का नाम दिया, और उसके बाद हमने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट स्टार किया वगैरह। तो इस बार अगर हम इंपोर्ट स्टार से हम लोग करते हैं, तो हम लोग ये फोल्डर का नेम से एक्सेस हो जाएगा या नहीं होगा? सिर्फ एंजल डायरेक्टली के ऐसे लिखोगे तो सर नहीं होगा। ऐसे लिखेंगे तो नहीं होगा, कैसे लिखेंगे फिर?
नहीं सर, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। चलिए ये हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने फ्रॉम के स्टाइल में कर लिया है। अब ये डिफरेंट फोल्डर में तो आपने देख रहे हैं, इनका भी सवाल था कि डिफरेंट फोल्डर में कैसे रहेगा वगैरह, हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि अगर कोई फंक्शन इसी फाइल में, सपोज करो कि माई फंक्शन है, मैं एक अलग फोल्डर ही बना, तो ये तो आपने इम्पोर्टिंग से इतने सारे चीजें देख ली कि अलग फोल्डर में तो क्या करेंगे, सेम फोल्डर में तो क्या करेंगे। अब चलो अगर एक फाइल है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। अब तीन चीजें होती है, मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी। अगर मल्टीपल्स फाइल्स हो गए आपके पास, अगर मल्टीपल्स फाइल्स हो गए, हो सके कि मैं कोई टूल बना के दे रहा हूँ, सपोज करो मैं अपना एक्सेल का टूल बना के दे रहा हूँ, उसमें मैंने तीन चार फाइलें रख दिया। एक फाइल से क्या हो रहा है, मैं ब्रोकर से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, दूसरे फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का जो भी वहाँ पे डाटा आ रहा है, एक्स वाई जेड या पी एन एल है या एंट्री कंडीशन एग्जिट कंडीशन वगैरह, वो उसके रिलेटेड फाइल है। तो उन सभी को अगर मैं एक फोल्डर में डाल के दे रहा हूँ तो उसको हम लोग बोलेंगे पैकेज। और अगर बहुत सारे पैकेज हो गए आपको, अगर सपोज करो कि आपका नम पाई पैकेज हो गया या जो भी, मतलब उसमें बहुत सारे फोल्डर सब फोल्डर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी बोलते हैं वगैरह। जिसमें बहुत सारे फोल्डर सब फोल्डर्स वगैरह हो गए तो उसको लाइब्रेरी बोलते हैं वगैरह। वैसे लाइब्रेरी और आपको पैकेज वगैरह में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वगैरह, मतलब टेक्निकली समझा जाए तो, क्योंकि उसमें एक फाइल है, उसमें मल्टीपल्स फाइल्स हैं वगैरह ये। अब सपोज करो कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्या बताया, एक फाइल है तो क्या होगा, मॉड्यूल होगा या पैकेज होगा या लाइब्रेरी होगा। अगर एक फाइल है तो वो एक ही फाइल हमने आपको दिया, वो क्या कहलाएगा, मॉड्यूल या पैकेज या लाइब्रेरी, मॉड्यूल मॉड्यूल। मॉड्यूल अब कहलाएगा सर, मैं अगर सपोज करो कोई फोल्डर है उसमें तीन फाइल को दिया तो पैकेज। पैकेज। अब सपोज करो मैं फोल्डर में दिया तो तीन फाइल दे रहा हूँ आपको, एक फोल्डर दिया आपको उसके अंदर तीन फाइल है, तीनों फाइल का नेम अगर है सपोज करो कि मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री, यही होगा ना। मैं एक फोल्डर यहाँ पे बनाया, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, मतलब टू यहाँ पे एक अपना पाइथन ट्रेडर नाम का मॉडल बना दू, यहाँ पे कॉपी भी करके लाता हूँ फाइल को। ठीक है, यहाँ पे सपोज को तीन मॉड्यूल मैंने इसमें दे दिया, तीन फाइल हो तो तीन मॉड्यूल हो जाएंगे, मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री। ठीक मॉड्यूल टू मॉड्यूल, तो ये जो पाइथन ट्रेडर है ये क्या कहलाएगा, ये पैकेज कहलाएगा या मॉड्यूल कहलाएगा। मल्टीपल्स मॉड्यूल्स आ गए तो क्या पैकेज कहलाएगा, कहलेगा। पैकेज कहलाएगा ना वगैरह। और यही अगर पैकेज के अंदर पैकेज अगर बहुत सारे हम लोग डाल दे तो वो फिर आपका लाइब्रेरी बन जाता है, जैसे आपके पास नंपाई लाइब्रेरी हो गए, पांडा लाइब्रेरी हो गए ये सब, क्योंकि इसके अंदर आप जब देखोगे स्ट्रक्चर तो बहुत सारे चीज रहते हैं। आप उसको ऐसे मॉड्यूल भी बोल सकते हो, लाइब्रेरी बोल सकते हो, मतलब मॉड्यूल नहीं पैकेज बोल सकते, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, वो बस बोलने का तरीका है कितने फाइल्स है, कैसा है कैसा है। अब देखो इसमें देखो एक चीज है, अब जैसे ये हमने आपको पैकेज दिया, अब ये पैकेज में तीन फाइल दे दिया, हो सके कि तीन फाइल है, कल के दिन 10 फाइल है। अब ये तीन फाइल को कैसे इंपोर्ट करोगे, इम्पोर्ट मॉड्यूल वन इम्पोर्ट मॉड्यूल टू इम्पोर्ट मॉड्यूल, तो ऐसे ही करोगे ना, ये तीनों मॉड्यूल कैसे इम्पोर्ट करिएगा, यस सर, इम्पोर्ट ही होंगे। इम्पोर्ट ही होंगे। अब आपको मैंने बना कर दिया कि भाई ये तीन फाइल, तीन फाइल का एक पैकेज है हमारे पास वगैरह, तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में बोलता है कि ठीक है अगर आपने एक इनिट फाइल भी दे दिया यहाँ पे, इनिट इनिट भी दे दिया आपने, तो आपको तीनों इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको तीनों की इंपोर्ट करने की जरूरत है, आप सिंपली इंपोर्ट पीटी पैकेज करिए और इसके अंदर इनिट के अंदर डिफाइन करना होगा, इनिट के अंदर मुझे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना होगा वगैरह। तो डायरेक्टली इंपोर्ट पीटी पैकेज करेंगे तो सारा मॉड्यूल खुद से इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री करेंगे सारा कुछ हो जाएगा, वो भी देखेंगे। फिलहाल हमने अभी, आप लोग क्या करो एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर में फंक्शन लिखो, सेम फाइल में पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक फोल्डर बनाइएगा उस फोल्डर में फंक्शन लिखेगा, फिर एक दूसरा फाइल बनाइएगा और उसको कॉल करके देखिए। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए तो क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग
दो सवाल बस और देखेंगे कि मॉड्यूल और पैकेज में कुछ ज़्यादा अपने को सीखने नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अपने को, क्योंकि आपको कभी एक्स्ट्रा फाइल मिल गया उसको यूज करना है तो कब डॉट करते हैं कब नहीं करते हैं कब क्या है कैसा है, तो एक बार क्लियर होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तब तक मैं इस तीनों को अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग फंक्शन एक रेडी कर रहा हूँ। वॉइस आ रहा है? नहीं, क्या हुआ? आप बात नहीं कर रहे हैं। ओके नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करने के, बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करें तब तक मैं इधर रेडी कर लेता हूँ।
हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, 1 मिनट, एंजल कोड का फाइल दिखा सकते हैं? 1 मिनट, किधर गया एंजल कोड? नहीं, आप लोग खुद से लिखिए, मतलब जो दिखा रहा हूँ खुद से लिखोगे तो आपको आइडिया भी होगा कब क्या लिखना है, नहीं लिखना है वगैरह। वैसे आप देख लीजिए, ये एल्गो वाला है, एल्गो वाला ये, इसमें तो बस एक फंक्शन डिफाइन कर और कुछ भी नहीं, इसमें तो आपको फंक्शन डिफाइन कर दीजिए और ये देखिए कैसे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं।
सभी को क्या हो रहा है? हाँ सर हो गया सर, एक छोटा सा सवाल पूछना था। पूछिए। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। एक मिनट रुकिए, पहले मुझे अपना स्टॉप करना होगा। अब शेयर करिए। हाँ हेलो सर, आ रहे एक स्क्रीन। अभी सर आ रहा है, आ रहा। यहाँ पे मुझे जोरोदार देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ आर्गुमेंट है ना हाँ यहाँ आपको पे। तो क्या, हाँ आपको देना पड़ा। आपने जीरोधा में क्या लिखा है? जीरोधा में जीरोधा में सेल्फ सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सेल्फ तो अपने आप पास होता है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही पास करूंगा ना सर, तो यहाँ पे एरर दे रहा है वो। पहले जीरोधा डॉट यहाँ पे अगर ब्रोकर, एक मिनट स्टे बाय, पहले जीरोधा डॉट ब्रोकर डॉट इन क्यों लिखे आप? जब क्रोम स्टार्ट कर रहे हैं ना, सारा का सारा क्लास हो जाएगा। और क्लास से पहले ऑब्जेक्ट बनता है, डायरेक्ट क्लास नहीं कॉल होता है, पहले ऑब्जेक्ट बनता है फिर वो कॉल होगा आपका। ए इक्वल टू जीरोधा लिखी है, जो भी आपका क्लास है। ओके, यानी कि इस मेथड से लिखना पड़ेगा मुझे ये इस मेथड से। ओके पहले ऑब्जेक्ट नहीं है तो ना उसका कॉल करिएगा किसी फंक्शन को। फिर उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ये ऐसे आ रहा था अगर स्टैटिक फंक्शन है तो ये। हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। स्टैटिक फंक्शन है तो हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं वगैरह, लेकिन ओके आइडियली सर, हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बनाते फिर करते हैं। थैंक यू सर। और किन्हीं के कुछ है? हाँ हेलो, ओके 230। ठीक है, सभी क्लियर हो गया ना? अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास, हमने एक पैकेज बनाने की कोशिश किया, हमने एक पैकेज बनाने की कोशिश किया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा। कहाँ गया हमारे पैकेज? मैं इसको कर दूँ, ठीक है। मॉड्यूल 1 के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन 1। मॉड्यूल 2 के अंदर हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। अगर मुझे एल्गो में इम्पोर्ट करना है वगैरह, अगर मुझे एल्गो में इम्पोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट पैकेज कर रहे हैं। अब इसके जगह क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट मॉड्यूल 1 करना पड़ता है, इम्पोर्ट मॉड्यूल 2 करना पड़ता है, मॉड्यूल 3 करना पड़ता है वगैरह वगैरह। उसके अच्छा हमें पैकेज को इम्पोर्ट कर लेंगे, जो भी पैकेज फोल्डर करना है फोल्डर को। अब ये जो फोल्डर को इम्पोर्ट करेंगे तो इसको बताना पड़ेगा ना कि भाई हम मॉड्यूल हैं वगैरह, पाइथन को तो बताना पड़ेगा कि मॉड्यूल है। तो उसके लिए एक डॉट इनिट फाइल आती है, डबल अंडरस्कोर इनिट डॉट पीवाई। उसके अंदर हम जिस जिस चीज को इस फोल्डर के, हो सके इस फोल्डर के अंदर मॉड्यूल 4 भी हो या मॉड्यूल 5 भी हो, यानी 4-5 फाइल हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हो सके मेरे इंटरनल के रिलेटेड हो, कुछ चीजें बाहर एक्सपोज करना चाह सकते हैं। मतलब हम, अगर सपोज कर ब्रोकर ने कुछ फाइल लिख रहा है, अगर ब्रोकर ने 4-5 फाइलें ली, हो सके कुछ जिसमें सिर्फ एक क्लाइंट को देना चाहता हो कि भाई ये सारे फंक्शन तुम कॉल करो, कुछ खुद के कैलकुलेशन के लिए कर रहा होगा। आपको भी ब्रोकर के फाइल देखेंगे किसी चीज को, तो 4-5 फाइलें आपको मिल जाएंगे वगैरह। कुछ वेब सॉकेट रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ रेस्ट एपीआई रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ईरर हैंडलिंग रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ उसका मैं अपना कीवर्ड वेरिएबल डिफाइन किया होगा, लेकिन वो आपको देगा, इंपोर्ट करेगा सिर्फ एक ही फंक्शन, भाई आप ये फाइल है इसमें ये सारे फंक्शन आपको यूज कर सकते हैं, लॉग इन कैसे होगा, ऑर्डर प्लेसमेंट करना होगा। तो इस इनिट फाइल में सब कुछ डिफाइन कर दिया मैंने कि कैसे होगा। डॉट मॉड्यूल 1, डॉट मॉड, डॉट नहीं भी देंगे तो भी काम चलना चाहिए मुझे यहाँ तक लगता है। चलो मैं इसको डॉट नहीं देके एक बार ट्राई करता हूँ। डॉट से क्या होता है ना कि डॉट का मीनिंग होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे यहाँ पे मैं एबीसी डॉट दे दिया, मतलब एबीसी फोल्डर के अंदर डॉट का मतलब रहता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मुझे लगता है डिसाइज विदाउट डॉट भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फ्रॉम
मॉड्यूल 1, इसमें मुझे फंक्शन 1 को इंपोर्ट कर लो, इसमें फंक्शन 2 को इंपोर्ट कर, क्योंकि हो सके इस मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन हो, तो जिस जिसको करना होगा उसको मैंने कर दिया, और नहीं तो फिर हमने इम्पोर्ट स्टार कर देंगे, इम्पोर्ट स्टार मैंने को सारे के सारे करना है वगैरह, तो हम लोग इम्पोर्ट मॉड्यूल 2 कर देंगे तो सारे के सारे इम्पोर्ट हो जाएगा, तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा कर देंगे आइडियली, और इस तरह के रहेंगे फ्रॉम फंक्शन 1 फ्रॉम मॉड्यूल 1 इम्पोर्ट स्टार ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा होगा, हमने समझने के लिए यहाँ पे कर दिया, सिर्फ तीनों फंक्शन को 1 बाय 1 हमने कर दिया। चलो मुझे एक डॉट का एक डाउट है, हमने डॉट को हटा दिया है, चलो इसको रन करते हैं, फंक्शन 3 को रन करते हैं, तो देखो हमने इम्पोर्ट पैकेज किया, अब जो भी फंक्शन 1 थे हमने फंक्शन 1 को किस तरह से रिनेम किया हो, यहाँ पर रिनेम करके रख दिया है उसने मुझे F1 के लिए, तो अगर रिनेम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे फिर, माई पैकेज .F1, हम लोग इसको भी पैकेज के नेम को फिर से चाहे तो रिनेम कर सकते हैं एज PT, अब यहाँ पे .PT आ जाएगा, क्योंकि जो पैकेज का नेम मुझे था, जो मुझे दिया सामने बंदे ने, मैं उस पैकेज का नेम को भी रिनेम कर दिया, PT नाम का कर दिया हूँ, तो अब किससे एक्सेस होगा, PT के नाम से एक्सेस होगा, फंक्शन 3 कर देता हूँ, नहीं डॉट उसको देना पड़ेगा, ठीक है भाई ले लो डॉट, अब इसको रन करते हैं, ठीक है, तो आपने ये समझा पैकेज कैसे बनाते हैं, हम लोग एक फोल्डर में सारे फाइल्स को रख देंगे, उसको हम लोग एक डॉट अंडरस्कोर इनिट देंगे, तो पाइथन समझ जाएगा कि भाई ये पैकेज, अगर ये नहीं दीजिएगा तो फिर आपको तीनों फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा 1 बाय 1, कैसे इंपोर्ट करिएगा, सिंपली PT पैकेज .Module 1, PT पैकेज .Module 2, तो आपको 3 लाइन लिखना पड़ेगा, 3 लाइन लिखने से अच्छा है आप डायरेक्टली पैकेज बना दीजिए, इसको अंडरस्कोर इनिट कर दीजिए, इनिट के अंदर इंपोर्ट कर दीजिए, और डायरेक्टली PT पैकेज को आप इंपोर्ट कर लीजिए, समझ गए लोग, मॉड्यूल पैकेज। गॉट इट सर। सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, पूछो, ये यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे हम लोग सिर्फ इंपोर्ट मॉड्यूल 1 बोल सकते हैं क्या कि नहीं? करके देख लेते हैं, मैंने कभी किया नहीं, करके देख लेते हैं फिर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यही दिख जाएगा सब, तो क्या हो सकता है पहले सोचेंगे, इसको कर तो लिया हमने, सोचेंगे इसमें क्या हुआ, अगर इंपोर्ट मॉड्यूल किया होगा तो हमें फिर किसके हेल्प से जाएगा वो, PT पैकेज हाँ .Module 3 लेके जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है PT .Module 3 लेके जाना पड़ेगा, हाँ सर, वही वैसे ही लेके जाना पड़ेगा, पहले फोल्डर का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे चलो रन करके देखते हैं, क्योंकि फंक्शन 3 तो लेगा नहीं, नहीं लिया, अब यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा उसका, किस फाइल के अंदर है .Module 2 .Module 3 डॉट, इसमें भी नहीं लिया, इसमें क्या बोल रहा, इम्पोर्ट मॉड्यूल 3 पहले इम्पोर्ट, इसको रन करके पहले देखता नहीं हूँ, सर, ऊपर जो लिखा है ना इम्पोर्ट आपने, तो वहां पे पहले इसका नाम देना पड़ेगा ना शायद फाइल का। नहीं, वो तो मैंने यहीं पे मैं इम्पोर्ट कर लेना चाह रहा हूँ ना, मैं तो यहीं पे इम्पोर्ट कर लेना चाह रहा हूँ, इस बंदे को तो मिल जाएगा ना मॉड्यूल 3, ये अगर मैं इनिट में डिफाइन कर रहा हूँ मॉड्यूल 3, तो इसको तो मिल जाएगा, नो मॉड्यूल नेम मॉड्यूल, नो मॉड्यूल नेम मॉड्यूल 3, ठीक है, नहीं सर इसमें फिर इसका इनका ऐसा ही फॉर्मेट है, ऐसा ही सिंटेक्स है हाँ, वगैरह, नहीं, बराबर ठीक किया हाँ मेरे, अरे वगैरह, मैं हाँ कंफ्यूजन भी हो जाता वो बराबर। आप लोग करके देख लेंगे ना, मैं टेंशन क्या है, होगा या नहीं होगा वगैरह, करेक्ट 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 हम लोग सीखने के लिए हमेशा ओपन, अपने को पता चल जाएगा हुआ या नहीं हुआ, इस तरह के सवाल आनी चाहिए, ठीक है, तो हमने ऐसा कर लिया, तो मुझे डाउट क्यों, हम लोग ऐसा ही नॉर्मल ऐसा दिखता है, कोई डॉट को डिलीट करके क्या नहीं, अब मान लीजिए कि आपके इसके अंदर कोई सब फोल्डर के अंदर रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, ABC डॉट लिखना पड़ता है, और सिर्फ डॉट है मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही है वो वगैरह, तो हमने ये कर लिया, ओके, तो ये हमने मॉड्यूल देख लिया, ये देख लिया, अब हम लोग चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट था कि अगर दोनों पहले तो लोकली भी रहेगा और उसमें भी रहेगा तो कौन सा कॉल होगा, और फिर एक सवाल आया था कि दोनों में अवेलेबल है सेम ही फंक्शन, पहले पहले फर्स्ट स्टेप वाला फंक्शन देखेंगे फिर हम लोग वो चलेंगे, पैकेज तो आप लोगों ने समझ लिया, पैकेज को हमने कॉल भी कर लिया, अब डे एक नया यहाँ पे बना दो, सर हाँ बोलिए, एक बार फिर से मॉड्यूल 1 2 3 एक बार समझेंगे। मॉड्यूल 1 भी देखिए, मॉड्यूल 1 में एक 3 मॉड्यूल है, 3 फाइल है, फंक्शन 1 मॉड्यूल 1 में डिफाइन किया हुआ, फंक्शन 1 जो फंक्शन 1 एक फंक्शन है, मॉड्यूल 2 में क्या है मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 क्या है मॉड्यूल 3, अब सपोज कोई एक एल्गो बनाने जा रहे हैं तो कैसे कॉल होता, अगर मैं ये नहीं दूंगा तो कैसे कॉल करते हैं आप, पहले तो इम्पोर्ट करते हैं,
कहाँ पे है ये भाई, फ्रॉम पीटी पैकेज फोल्डर के अंदर है। पीटी पैकेज कौन सा फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, मॉड्यूल वन इंपोर्ट स्टार। अब इस तरह से आपको 3 लाइन लिखना पड़ता, मॉड्यूल टू को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल थ्री को भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जब करेंगे कॉल फंक्शन वन तो कॉल हो जाएगा, फंक्शन को कॉल हो गया। अब देखो 3 लाइन लिखे, हो सके कल के दिन 4 फंक्शन हो, 5 फंक्शन हो वगैरह, जब मतलब 4-5 मॉड्यूल हो वगैरह, तो इन सभी के लिए हमने बनाया एक पैकेज बना दिया वगैरह। आप डॉट इनिट डाल देंगे तो पैकेज बन जाता है, और डॉट इनिट में हमने इंपोर्ट कर दिया जिस जिस को इंपोर्ट करना था उसे, मुझे वन एंड टू को करना था, थर्ड को नहीं करना था, हम थर्ड को नहीं करेंगे वगैरह। मतलब हमने पैकेज आपको दे रहे हैं तो अपने मुताबिक से हमने इस सारे फंक्शन को इम्पोर्ट कर दिया कि एक बंडल बना के दे रहे हैं, और उस बंडल का नाम सपोज करिए पीटी पैकेज है। तो अब जब या तो इस स्टाइल में कॉल करिए फंक्शन वन, या आप डायरेक्टली पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। हमने जैसे पैकेज को ही इंपोर्ट कर लिया, तो जो भी हमारा झंझट है किसको इंपोर्ट करूँ किसको नहीं करूँ, एक फाइल को इंपोर्ट करना है कि दो को करना है, ये क्यों अपना सरदर्दी ले, जिसने पैकेज बनाया जिसने फाइल दिया है, अगर मुझे जीरोधा ने दिया है तो मुझे जीरोधा का यूज कर लेंगे, उसने फोल्डर नेम बनाया है, एक पैकेज बना के दिया काइट कनेक्ट, हम लोग काइट कनेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। हम लोग जो काइट कनेक्ट फोल्डर इंपोर्ट करते हैं वो हम लोग पैकेज इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर कौन सा फाइल है, कौन सा डॉट पी वाई है, किसको इंपोर्ट करें, कनेक्ट डॉट पी वाई इंपोर्ट करें या क्या करें, अगर आप देखोगे सी एम डी। कहाँ पे इंस्टॉल है ये, ये काइट कनेक्ट है, काइट कनेक्ट के अंदर इतने सारे फाइल है। अब मुझे कनेक्ट भी है, एक्सेप्शन भी है, टिकर भी है, तो मुझे क्या करना, मुझे तीनों इंपोर्ट करना पड़ता, कनेक्ट भी इंपोर्ट करना पड़ता, एक्सेप्शन भी करना पड़ता, टिकर भी करना पड़ता। लेकिन इसने क्या किया, इसने इनिट में ही सबको कर दिया। देखते हैं इसका इनिट में क्या लिखा हुआ रहता है, वर्जन में तो वर्जन रहता है कि ये कौन सा वर्जन है, तो अंडरस्कोर वर्जन से वर्जन हैंडल होता है इनका। हम लोग इनिट चेक करेंगे और वर्जन चेक कर लेंगे, इनिट 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 में क्या है इनका, एक इनिट देख लेंगे, ओपन, और एक वर्जन, वर्जन में वर्जन डिफाइन रहता है कौन सा, जो भी इनके पास टाइटल है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब चीजें डिफाइन है आपका, कीवर्ड वगैरह जो हो गए। अभी इनिट हमें देखना है कि ये अपना इनिट कैसे बना के दिया, ये सब तो कमेंटेड चीज है अपना समझने के लिए, इसने दिया कि भाई ऐसा ऐसा चीजें है, काम का चीज किधर है, काम का चीज देखिए नीचे दिखा हुआ है, फ्रॉम फ्यूचर इसने इसमें से ये इंपोर्ट किया है, काइट कनेक्ट से सिर्फ यही इंपोर्ट किया है, काइट कनेक्ट डॉट कनेक्ट से इस क्लास को इंपोर्ट किया है, यहाँ से इससे किसको इंपोर्ट किया, काइट टिकर को इंपोर्ट किया, ये दो तीन क्लासेस को जिसको जो जो चीज को इंपोर्ट कर मतलब आपको देना था वही आपको दिया, एक्सेप्शन दिया, काइट कनेक्ट दिया, काइट टिकर दिया, हो सके कि इसके अंदर और भी कुछ चीजें रही होंगी वगैरह, इसके अंदर छोड़ चीज जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिलहाल कितने फाइल है, यहाँ पे अपने को 3 ही फाइल है, कोई ऐसा ब्रोकर रहता है जिसके पास 4-5 फाइल है, वो 4-5 फाइल में 3 ही फाइल आपको देना था, तो अपने अपने इनिट फाइल में 3 ही चीज को इंपोर्ट किया होता, फिलहाल इसमें 3 फाइल है, ये तीनों आपको देना चाहता है, तीनों फाइल की आपको जरूरत पड़ेगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ सकता है, टिकर भी आप यूज करोगे वगैरह, तो इस तरह उस सारे के सारे फाइल को यहाँ पे दे दिया। सर इसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या है? वो कुछ नहीं है, बस वो लिस्ट है कि क्या क्या वो इंपोर्ट करा है, इसको फटा भी दोगे ना, मैंने रिटर्न करके देखा तो वही काम किया वो, बस ये ऑल में ये होता है कि हम ये चीजें आपको दे रहे हैं, काइट कनेक्ट दे रहे हैं, काइट टिकर दे रहे हैं और एक्सेप्शन दे रहे हैं, तो वो बस समझने के लिए है कि ये चीजें आपको दे रहे हैं, आप इसको नहीं भी दोगे फिर भी वो काम करेगा। ओके सर गॉट इट। क्योंकि मुझे भी आज तक मैंने कभी किया नहीं, जस्ट अभी किया, अभी देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, अगर मैं दे भी देता हूँ ऑल अंडरस्कोर ऑल ऑल करके तो भी सेम ही चीज रहेगा, वो बस समझने के लिए दिया रहा था कि ये चीज आपको दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमारा मॉड्यूल हो गया, ये हो गया, अब हम लोग एक नया चीज देखने वाले थे ना कि एक फंक्शन है जो दोनों जगह डिफाइंड है, अब उसको इंपोर्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होती, मतलब कौन वाला कॉल होता है, लोकली वाला कॉल हो रहा है या बाहर का कॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे एल को फिर डाल दू डेट में, पीटी पैकेज और एल्गो को भी डेट में डाल दूं, देखो मैंने इसके अंदर डाला है तो सके कुछ कोड रन करना बंद हो जाएगा, अगर फोल्डर स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा हो सकता है, तो आप लोग जब रन करेगा तो अपना देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कौन किधर है नहीं है।
सर बंद नहीं होगा, फिर भी अगर बंद होता है तो अपना मोबाइल डॉट कैनॉट क्लोज, सॉरी ओके ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक नया, यहाँ पे देखता हूँ एग्जाम्पल टू, हम एक फोल्डर बनाते हैं एग्जाम्पल टू नाम का होता है, एक फोल्डर बना दो ताकि हम लोग समझने में आसान हो जाए, हम लोग एग्जाम्पल टू के अंदर काम कर रहे हैं। एक हमने इसके अंदर बना दिया एल्गो डॉट पी वाई, और एक बना दिया कॉमन लाइब्रेरी कॉमन लिब डॉट पी वाई। अब इसके अंदर हमने एक प्रिंट कर दिया या एटीएम कैलकुलेशन नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक। हमने कुछ भी नहीं किया है, एक हमने मॉड्यूल बनाया, किस कौन सा मॉड्यूल बनाया कॉमन लाइब्रेरी, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया एटीएम कैलकुलेशन। चलो ये, और इस सेम फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक एल्गो डॉट पी जो हमारा एक एल्गो लिख रहे हैं उसको भी फ्रॉम लोकल फाइल ऑन। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, कॉमन लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करते हैं डबल कोट्स। पहले तुम उसको कॉल करते हैं, तो अगर मैं विदाउट इम्पोर्ट किए हुए कॉल करूँ तो कौन सा कॉल होगा, जो भी लोकली है कॉल हो जाएगा, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये अपने को कॉल हो जाएगा। क्या हो गया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ गया, सर सेव करना पड़ेगा ना उसको। नहीं उस डायरेक्टरी में भी ना, सेव तो ऑटोमेटिक हो गया उसका, 1 मिनट, इसको सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। चलो एल्गो में चलते हैं, रन करते हैं, कुछ ओपन हो रहा है बंद हो रहा है वो क्या रहा, ये सब हटा दो। ठीक है चलिए, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया एटीएम कैलकुलेशन, प्रिंट किया एटीएम को रन करना चाह रहे हैं, वहां पे ये एग्जांपल टू के अंदर चलो इसको सीएमडी में रन कर देखते हैं क्या होता है, क्या होगा राइट कनेक्ट किधर है एग्जाम्पल टू। हम लोग कोई भी जो वहां पे रन कर दे ना, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन कर सकते हैं, आपको कमांड प्रॉम्प्ट रन करने के लिए कुछ नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और अगर उस पाथ पे, अगर मान ली कि इस पाथ पे नहीं है तो पहले या तो कंप्लीट पाथ देना होगा, नहीं तो इस फोल्डर पे हम लोग यहाँ पे चले गए, यहाँ पे सीएमडी टाइप करेगा ये डायरेक्ट इस लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। रन करने के लिए या तो पाइथन लिखिए या पीवाई लिखिए, पाई एल्गो डॉट पी वाई एटीएम कैलकुलेशन फ्रॉम सेल फॉर लोकल पाथ हो रहा है, वहां पे क्या इनको लिख रहा है बी डब्ल्यू डी। सर उसमें कहीं टर्मिनल को उस डायरेक्टरी में पॉइंट ना किया हो, किसी दूसरी डायरेक्टरी में हो। लेकिन प्रिंट तो करना चाहिए था, प्रिंट तो सर करना वो चाहिए था, आपका आपका जो नीचे का ये है वो एंजल अल्गो पे दिखा रहा है ना, नहीं नहीं वो वो वही वही मैं कह एग्जांपल रहा टू था, में दिखाना चाहिए। नहीं नहीं वही कह रहा हूँ कि प्रिंट करना चाहिए था, अगर हम किसी फाइल को मगर इंपोर्ट करने जाए तो उसको रेफरेंस नहीं ले पाता, वो सब चीज़ है, यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाहिए था। इस पर देखते हैं आराम से, पिछली बार की तरफ भाग गया था बंदा बिना देखे हुए, इस पर फिर देखते हैं क्या हो रहा है। सर हाँ वो जो राइट साइड में नीचे जो मतलब क्या पाइथन लिखा है ना, पाइथन जो क्या मतलब कमांड जैसा मतलब आइकन है, ठीक है, वो दोनों को डिलीट करो नीचे नीचे राइट साइड में।
ये हाँ हाँ ये दोनों को डिलीट मार दो, ठीक है, दोनों डिलीट कर दिया। ठीक को डिलीट करके फिर से आप मत रन करो, हो जाएगा। हो गया। वो क्या था वो फिर? इसमें क्या है ना कि वीएस कोड में अगर आप इसको शेल को डिलीट नहीं करते हो ना, तो क्या होता है वो जो क्या मतलब पुराना आपने रन किया हो ना उसके हिसाब से मतलब रन होता रहता है, उसको हमेशा मतलब डिलीट करके फिर से मतलब रन करना। आपने क्या किया, आप सीधा मतलब मिनिमाइज कर देते हो। हाँ वो पहले वाला मिनिमाइज होता है हाँ पहले। तो इसकी वजह से वो उसको अगर ये कर दोगे तो मिनिमाइज होगा, आप कंट्रोल जे करोगे ना तो वापस आ जाएगा। तो हाँ तो इसको ठीक मतलब डिलीट करके फिर से मतलब रन करने का, जो फोल्डर चेंज कर रहे हैं। है चलो। तो ये देखे तो अब वही, अगर पाथ अगर चेंज भी है ना कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप कोई दूसरा फोल्डर को लोकेशन या फाइल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं ना, आप चेंज नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वगैरह। इसका आंसर अच्छा हुआ सर पकड़े हमने, क्या हुआ। तो अभी हमने क्या किया, हमने चलो खैर अब उसी पे करेक्टली हम डिसाइड होना चाहिए पॉइंट, हमने कर देते हैं। आ गया एग्जाम्पल टू को पॉइंट कर लिया जाए। ठीक है तो हमने एक लोकली ये बनाया, लोकली हो गया। अब सेम फंक्शन को अब हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं कॉमन लाइब्रेरी को, कैसे इंपोर्ट करेंगे? सिंपली इंपोर्ट कर देंगे या रोम ही करो, क्योंकि इंपोर्ट लिखते फिर तो वो पता चल जाएगा उस बंदे को। फ्रॉम की हेल्प से मैं करता हूँ, फ्रॉम कॉमन लाइब्रेरी कॉमन इंपोर्ट स्टार। चलिए अब कोई गेस करके क्या होगा, लोकली वाला होगा या वहां वाला होगा? यहाँ भी एटीएम कैलकुलेशन डिफाइन है, यहाँ भी एटीएम कैलकुलेशन डिफाइन है, यहाँ पे बस कॉमन लाइब्रेरी लिखा हुआ, ये है लोकल लाइब्रेरी। तो कौन सा कॉल होगा? मेरे ख्याल से लोकल वाला कॉल होगा। लोकल वाला कॉल होगा, लोकल वाला कॉल हो जाएगा। अगर मैं इस इम्पोर्ट को ऊपर बाद से में लिखो हटा तो के बाद में लिखूँ हाँ तो क्या होगा? हाँ अभी कॉमन वाला कॉल होगा। कॉमन वाला होगा। तो अगर दो फोल्डर में एक ही नाम है और दोनों से इंपोर्ट होता है, कौन सा होगा जो लेटेस्ट होगा? सपोज कोई कॉमन लाइब्रेरी को कॉमन लाइब्रेरी टू कर दो, मैंने कॉमन लाइब्रेरी टू कर दो, कॉमन लाइब्रेरी टू कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कॉमन लाइब्रेरी टू कर दिया। अब दोनों को मैं इंपोर्ट करता हूँ तो जो लेटेस्ट जो इंपोर्ट होगा ना वो होगा, क्योंकि वो फंक्शन जाकर उसको ओवरराइट कर देगा। ये था ना हमारा कॉमन इंपोर्टिंग टिंग कॉमन लिव अंडरस्कोर टू। ठीक है अब इसको रन करते हैं। कहाँ गया सेव कर सबको। ये देखो सेव नहीं हुआ था, तो कॉमन लाइब्रेरी टू सेव, क्योंकि जो लेटेस्ट आपने इंपोर्ट किया रहेगा वहां से वो डाटा लेके आ जाएगा। अब आपको तीनों से सपोज करो एटीएम कैलकुलेशन चाहिए तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कुछ एलियास यूज करेंगे। अगर मुझे तीनों का चाहिए भाई, इसका भी लू एटीएम कैलकुलेशन, खुद का भी लू, इन बंदे का भी लू, तो तीनों से आपको इम्पोर्ट सपोज करो ये ना करके मुझे ये करना होगा एटीएम कैलकुलेशन एज सपोज करो C1 नाम दे दिया इसका, सेम यहाँ पे एटीएम कैलकुलेशन एज C2 नाम दे दिया वगैरह। तो मैं अगर यहाँ पे एटीएम कैलकुलेशन लिखू, एक C1 लिखू, एक C2 लिखू, तो क्या तीनों अलग अलग चीजें कॉल होंगी? होंगी होंगी ना सर, क्योंकि हमने उसको इलाज से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एलियास के यूज आपको समझ में कब आता है? जब तीनों पे कुछ एक ही फंक्शन का नेम है, उसने भी दे दिया सेम फंक्शन, इसने दे दिया, और हम चेंज नहीं कर सकते हैं वगैरह किसी रीजन से, सपोज को चेंज करने से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इंक्रिप्टेड कोड है या कुछ भी कोड है वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको एलियास की हेल्प से काम करते हैं वगैरह। एक तो देखने में छोटा हो गया, मुझे एटीएम कैलकुलेशन लिखने से अच्छा है अपना C1 हो गया, वो बंदा कुछ और सोच के ये नाम कुछ दिया होगा, कुछ लंबा सा चौड़ा सा, या वो अपने दिमाग के अनुसार, हम चाहते हैं कि मैं इसको सिंपल सा रखूँ या अपने मुताबिक रखूँ, अपने नॉमिनेटर को फॉलो करते रखूँ, तो आप इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बस आज का क्लास इतना ही था सर मॉड्यूल को लेकर। मॉड्यूल में किसी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो हमें बताएं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इरर हैंडलिंग देखेंगे।
क्योंकि जो भी समझने वाले तो खैर अभी आगे आएंगे, लेकिन जो टेक्निकल थे, जो पाइथन का जो बेसिक रिलेटेड था, अब वो ऑलमोस्ट खत्म होने गया है। सेकेंड वीक में हम लोग कुछ लाइब्रेरी देखेंगे, डेट टाइम लाइब्रेरी देखेंगे, पांडल्स देखेंगे, कुछ टेक्निकल लाइब्रेरी देखेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर कैसे निकाले जाते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे सेकेंड वीक में। अच्छा, सेकेंड वीक तो खैर चल ही रहा है, लेकिन मतलब इस संडे तक का टारगेट वो रहेगा अपना, नेक्स्ट अगले 3-4 क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एरर हैंडलिंग और लॉग्स कैसे लिखते हैं, दो चीज हम लोग देखेंगे। फाइल रीड कैसे करते हैं ये भी अपने को देखना बाकी है। तो सर एक सवाल पूछना था, पूछिए वन बाय वन। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 उसके ऊपर आपने वो सिखाया था ना अभी, वो प्राइवेट फंक्शन। अभी हाँ ठीक मॉड्यूल 1 में चले जाइए आप, है, हाँ मॉड्यूल 1। ठीक ठीक है। तो हाँ ओके, उसको प्राइवेट अगर हम फंक्शन सब नीचे सब क्लास में रहता है, क्लास के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा क्या हाँ, उसको? फंक्शन में ऐसा फीचर नहीं रहता है। इसके अंदर तो क्लास आया कि उसमें आपको सिक्योरिटी मिलता है क्लास में, फंक्शन आपका प्राइवेट पब्लिक नहीं रहता है। क्लास के अंदर जो फंक्शन बनता है ना, वो सब रहता है कि एक क्लास को जो बंदा हम दे रहे हैं, हम एक पैकेज बना लिया जिसमें पैकेज में मेरे पास कुछ वेरिएबल्स भी हैं, कुछ हमारे पास फंक्शंस है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये चीजें को मैं बाहर एक्सपोज करूँ। तो किस किस चीजों को एक्सपोज करना चाहता हूँ, उन सभी को हम पब्लिक, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट सब कुछ पब्लिक रहता है, उसमें कर सकते हैं। अब ठीक है, आप बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं। हेलो, कोर की कहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसको? एक मिनट, आवाज बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ मैंने समझो एक फंक्शन, एक कोड लिख दिया कैंडल ठीक स्टिक का। है ठीक ओके, मुझे वो फंक्शन कहाँ से आ रहा है कैंडल स्टिक का, मुझे वो किसी को दिखाना नहीं है। मैं उसको किसी और नाम से वहां पे प्रिंट कर दूंगा और वही उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर दूंगा मेरे कोड में। तो कैसे किया जाता है फिर? कोड में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हैं। आप सबसे पहले आप जो फाइल दीजिएगा वो ये इनक्रिप्टेड रहेगा, प्लेन टेक्स्ट रहेगा? प्लेन टेक्स्ट मतलब .py है, तो मुझे इनकेप्टेड इनक्रिप्टेड रहेगा ना सर? रहेगा। तो इनक्रिप्टेड रहेगा तो आपका सेकंड चीज आपका है कि जो भी जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो तो उसको दिखेगा ही नहीं, आपने अंदर कोड में क्या लिखा तो दिखेगा ही नहीं उसको। आपका जो फंक्शन, सपोज आपने अपने फंक्शन, दो फंक्शन बनाया, M1 M2 नाम का फंक्शन बनाया, M1 अंदर में किसी को भी कॉल करो, क्लास को कॉल करे चाहे विदाउट क्लास को कॉल करे, वो उसको नहीं दिखेगा वगैरह। M1 बंदा ओके कुछ सर, कुछ भी गॉट कर इट। रहा है उसको दिखेगा ही नहीं वगैरह। हम उतना दिखेगा ही नहीं, आपने भले ही कुछ अगर प्रिंट नहीं किया हो तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है। M1 के अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या कॉल हो रहा है, किधर से कॉल हो रहा है वगैरह, ये सब। सर अभी हमने जैसे मॉड्यूल को देखा और पैकेज को देखा, जो कि सेम सिस्टम पर है, अगर कोई अलग सिस्टम पे है तो उसे कैसे करते हैं? क्या वो लाइब्रेरी में आएगा फिर? जी, सुनिए, कोई अलग सिस्टम पे मतलब आपको इंस्टॉल करना है, या मतलब क्या रिक्वायरमेंट क्या है? लाइक हम जो फ्रॉम हाँ जो किया हमने, हाँ तो सेम सिस्टम पर नहीं है, किसी अलग सिस्टम पे है। आपको इंस्टॉल करना होगा पहले। सपोज करिए हमने काइट कनेक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो दो ऑप्शन है, या तो उसको लोकली इंस्टॉल करना होगा फ्रॉम इंस्टॉल पिप इंस्टॉल काइट कनेक्ट, इसका विल फाइल बनेगा, विल फाइल को आपको इंस्टॉल करना होगा वगैरह, या दूसरा ऑप्शन इसको जैसे कुछ लोग इसको गिटहब पे डाल देते हैं, फिर जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले जाके फ्रॉम गिटहब का पाथ देकर वो आपको इंपोर्ट करना होगा, पूरा गिटहब से लेके आना होगा। अगर किसी दूसरे फाइल मतलब पीसी से एक्सेस नहीं कर सकते, या तो इसको इंटरनेट पर डालिए इस फाइल को, डायरेक्टली उसको आप इंपोर्ट करिए, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है आप इसको किसी भी रिपोजिटरी में डालिए, जो भी आपके पास पैकेज है उसको गिटहब पे डालिए या PyA पे डालिए, जहाँ पे सब लाइब्रेरी अपडेट होती है, वहां पे अपलोड होती है, वहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका URL हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं, वही कह रहा हूँ कि अगर आपने लोकली कर रहे हैं तब तो आप पिप इंस्टॉल से कर लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई गिटहब से करूँ तो वहां पे उसका URL देना होगा। आपको एक फाइल दिखाता हूँ, ये फाइल अगर इसमें यहाँ पे है कि नहीं है, एक फाइल दिखाता हूँ जिसमें हम लोग करते हैं इम्पोर्ट। ब्रिक्स वाली
हाँ ग्रिड्स वाला में इंपोर्ट किया हुआ रहता है, ग्रिड्स को फाइल। तो उसमें दिया अगर लोकली नहीं मिले तो वो वहां से उठा लेता है गिटहब से। पैक एक्सेल ट्रेडिंग किधर गई, एक्सेल ट्रेडिंग, एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग। चलो इसमें जीरो होता है, फिर इसे किसी भी चलने में चले। ग्रिक्स पाइथन सोर्स कोड, इसमें ग्रिक्स था क्या? ये शायद V3 में है, V3 में ग्रिक्स नहीं एक बार देख लो, एक बार देख लो, ऊपर ही मिल जाएगा। है, नहीं है, हाँ नहीं है। ओके V3 में। फिर वैसे अगर देख लेते हैं V3। ये देखिए हमने ये फ्रॉम गेट, इस लाइन से क्या समझ में आता है, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है फ्रॉम गेट आई भी ग्रिक्स, यानी ये कोई एक क्या होगी मॉड्यूल होगी, इस मॉड्यूल में ये सब जो भी क्लास है या फंक्शन कुछ चीजें होंगी, या तो क्लास होगी या फंक्शन होगी, इसको इम्पोर्ट करने को इस कर रहा है। अगर ये इम्पोर्ट नहीं हुआ तो जाके एक्सेप्शन में जाके यानी कुछ इरर आ गया, तो ये इम्पोर्ट करेगा किस पे करेगा, इस जो भी यहाँ पे PY फाइल है इस URL पे जो भी PY फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेगा वो वगैरह। इस पर देख लेंगे ये कौन सी URL है, ये यहाँ पे क्या है, इसमें में कोई फाइल है या नहीं है। ये फिलहाल प्लस प्लस जो किया हुआ है अलग अलग लाइन में दिखने के लिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है यहाँ पे एक फाइल होस्टेड है, इस लोकेशन में फाइल होस्टेड है, इसका URL हो गया। अब इसको देखिए यही फाइल थी ना इंटरनेट पे, ये फाइल है, तो अगर लोकली नहीं मिला तो यहाँ से ये इम्पोर्ट हो गया। अब उसमें क्या क्या इम्पोर्ट किया हुआ था, अब देखेंगे इसमें क्या क्या इम्पोर्ट किया हुआ था। यहाँ पे इम्पोर्ट क्या हो रहा है, डे काउंट टाइप, ये डे काउंट टाइप क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्लास है फंक्शन है या कुछ और चीजें है। ये क्लास इम्पोर्ट किया हुआ है, हमने देखा क्लास इम्पोर्ट किया, और क्या था इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हो सके कुछ चीजें इम्पोर्ट किया हो, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेड है, चार ही चीज है, लेकिन हो सकते हैं क्लास मल्टीपल्स क्लास हो। यहाँ पे कितना चीज है, चार चीज, यहाँ से हम लोग देखते हैं कितने क्लास बने हुए हैं इसमें, क्या चार ही क्लास है या चार से ज्यादा क्लास है, छह क्लास है इसमें, एक टाइप भी है डे काउंट भी है, टोटल छह क्लास इसमें है। तो डेवलपर ने चाहे मुझे भाई चार ही आपके काम के है तो ये ले लो, चार ही आपको चाहिए, दो आपको नहीं चाहिए, तो देख लिया सर ये। गॉट यस सर, यस, गॉट इट सर। एक क्वेश्चन है। ठीक सपोज कोई फंक्शन का नेम है और एक है ठीक वेरिएबल का नेम है, है, ये प्रोग्राम अगर जो दोनों सेम हो तो कोई मतलब कभी वो आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? लेटेस्ट वाला लेंगे सर वो। नहीं, क्वेश्चन अलग है, मतलब वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम दोनों सेम, तो कभी इन फ्यूचर क्या कहते हैं वो, कभी आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे कि या मतलब दोनों एज अ सेपरेट रहने वाले हैं? नहीं पहले यहाँ पे लिखता हूँ फिर पहले सोचो फिर बताओ। यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ, कहाँ गया, डेट है ना, चलो चलो यहाँ पे एम्बिग्यूटी में यहाँ पे गया MB.TY। यहाँ पे एक सपोज करो ए इक्वल टू 10 है, सोचना यहाँ पे क्या होगा, और एक हमारे पास एक डिफाइन फंक्शन कर देता हूँ। तो अभी तो ये कहाँ गया भाई, डिफाइन ZZ, और तुम इसको मेमोरी के रिस्पेक्ट में सोचो कैसे हो सकता है ये कॉल्ड, तो क्या हुआ होगा यहाँ पे। बेसिकली ए फंक्शन की लोकेशन अलग रही होगी और ए की अलग रहेगी। तो फिर जिसको आप कॉल करोगे
उसका रेफरेंस कॉल होगा वो, मुझे तो ऐसा लगता है, वो करके देखेंगे। प्रिंट ए, एक मिनट आ गया। और पहले तो ये लोग बताए कि क्या प्रिंट होगा। लाइन नंबर 5 लाइन टेंट नंबर टू करेगी और और लाइन सिक्स नंबर थ्री, ए कॉल कर। एक कॉल करके वो क्या प्रिंट करेगा फिर? रिटर्न तो कुछ है नहीं, रिटर्न कुछ नहीं है तो क्या प्रिंट होगा? इसका आउटपुट बताए लो मुझे, क्या आना चाहिए? रिकॉर्डिंग सर स्टॉप कर पहला देता हूँ। प्रिंट, अच्छा क्योंकि हाँ सर कर दीजिए। वो लंबा चला जाएगा बिना मतलब कि हम लोग डिस्कशन करेंगे सर। स्टॉप आगे, रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दो। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।